अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले एक वीडियो में मैं फेमिली रेनन्कुलेंसी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फेमिली रेनन्कुलेंसी। तो फेमिली रेनन्कुलेंसी के बाद ऐसे मेम्बर्स हैं जो कि यूज होते हैं एस एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल रेनन्कुलस, एनिमोन, डेल्फिनियम, नाइजेला, क्लेमेटस एटसेट्रा। ये जो मेंबर्स है फैमिली रेनन्कुलेंसी के, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो इंतहाई खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, वो इस प्लांट को अपने गार्डन वगैरह में कल्टीवेट करते हैं एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सेकंड नंबर पर है मेडिसिनल प्लांट्स। तो इस फैमिली के बाद ऐसे मेंबर भी है जो एज अ मेडिसिनल प्लांट्स यूज होते हैं, यानी जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ये जो एकोनिटम हेटेरोफिलम है, इससे ड्रग ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट यूज टू रिलीफ पेन और साथ साथ फीवर के लिए भी यूज होती है। इस तरह ये जो तेलिक्चरम है, इससे भी ड्रग ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम है मामेरा। मामेरा यूज्ड फॉर ऑफ्थेल्मिया, ये ऑफ्थेल्मिया के लिए यूज होते हैं। ऑफ्थेल्मिया क्या है, ये आई डिजीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई इज कॉल्ड ऑफ्थेल्मिया। इसी तरह ये जो एनिमोन पल्सेटेला है, इससे भी ड्रग ऑब्टेन करते हैं जो पेनफुल कंडीशन में यूज होते हैं। स्पेशली जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आप लोग जानते होंगे, यानी फीमेल से जो हर महीने में ब्लड डिस्चार्ज होता है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी होती है, यानी फीमेल को दर्द भी होती है। तो एनिमोन पल्सेटेला से जो ड्रग ऑब्टेन करते हैं वो स्पेशली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए यूज होते हैं, या इस दौरान जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है तो यूज किए जाते हैं। थर्ड नंबर पर है पॉइजनस प्लांट्स। तो फैमिली रेनन्कुलेंसी के पास ऐसे मेंबर्स भी है जो एक्रिड जूस को सेक्रेट करते हैं, और ये जो एक्रिड जूस है ये हाईली टॉक्सिक है, हाईली पॉइजनस है। फोर्थ नंबर पर है कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स का मतलब है मसाला जात। तो नाइजेला के जो सीड होते हैं वो कॉन्डिमेंट्स वगैरह में यूज होते हैं, मसाला जात वगैरह में यूज किए जाते हैं। फिफ्थ नंबर पर है वीड्स। ये जो रेनन्कुलस म्यूरिकेटस है, ये एज अ वीड्स ग्रो करता है। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट को हम वीड्स कहते हैं, यानी वो प्लांट्स जिसको ना हम कल्टीवेट करते हैं और ना पसंद करते हैं उसको हम वीड्स कहते हैं। तो ये जो रेनन्कुलस म्यूरिकेटस है ये एज अ वीड्स ग्रो करता है। सिक्स नंबर पर है हनी। देखो जब मैं फैमिली रेनन्कुलेंसी डिस्कस कर रहा था तो वहां पर भी मैंने ये कहा था कि फैमिली रेनन्कुलेंसी के जो मेंबर है इसके फ्लावर्स में फायो पेटल्स होते हैं, और हर पेटल्स के बेस में आप लोगों को ग्लैंड मिलेंगे जिसको हम कहते हैं नेक्चरीज। ये जो नेक्चरीज हैं ये स्वीट फ्लोइड को सेक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं नेक्टर। ये शुगर सॉल्यूशन से बनी होती हैं। तो जो हनी भी होते हैं, शहद की मक्खियां, वो क्या करते हैं, वो इस नेक्टर को अपने साथ लेके जाती है और इससे पीर हनी शहद बनाती हैं। तो ये है इसका सिक्स इंपॉर्टेंस। तो ये थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली रेनन्कुलेंसी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।